ऐसा तहे दिल से मैं कहना चाहती हूँ जिंदगी से, पर जिंदगी में ऐसा कुछ हो नहीं रहा जो मैं कहूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले बहुत ही मजेदार मीम्स, तो बने रहो, जा खड़े हुए बैठ जाओ, वीडियो देखो फिर कहीं जाना। सो लेट्स गेट एंटिटी टुगेदर, आइए देखते हैं, चल मजा आएगा। डिलीटेड सीन फ्रॉम रोबोट, चलो बोलो। पानी पिला दे, ये पानी 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 तुमने देखी नहीं क्या रोबोट मूवी? ऐसा ही तो होता है, अंकल जी मेरा गला सूख रहा है, ऐसे पानी तुम्हें पता ही नहीं है यार कुछ। तुम एक बार जाकर रोबोट मूवी देखो, उसमें सच में ये सीन है यार, तुम मेरी बात मानो। बार बार झूठ बोलो। okay. यहाँ पर चलो, पहले तो आप अपना नाम बताए, आपका नाम क्या है? मंगरू जी, आप यहाँ पे क्या खरीदने आए हैं, बता सकते हैं आप हमें? खरीदने नहीं आए, मैं बेचने आया हूँ। बेचना है तो अच्छा, ये दुकान आपकी है क्या ये वाली? नहीं, 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 नहीं। तो ये आपकी दुकान है, तो फिर आप क्या बेच रहे हैं? जहाँ खड़े जाते हैं वही दुकान है। अच्छा, तो ऐसा क्या बेच रहे हैं भाई साहब, दिखाएंगे हमें? भाई साहब दिख तो रानी है, कुछ दिखाओ तो सही। गुटखा का पैकेट है यार, मुझे लगा कुछ ये निकाल के दिखाएगा। अरे भाई साहब मजाक कर रहे हो क्या, एक गुटखा है कोई देखने वाली बात है? एक गुटखे से क्या होगा? ओ भाई साहब पूरी गड्डी है, कैमरामैन साहब पूरी गड्डी है, लेकिन एक गड्डी से क्या होगा, आपका तो खर्चा भी नहीं चलेगा इससे तो। मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था यार कि सेट फाड़ के गुटके की लड़ी दिखाने को मिलेगी मुझे यहाँ पे। ठीक है, देखो अपना अपना धंधा है, अपने अपने तरीके से लोग चला रहे हैं, सही है। इनका कोई सीन भी नहीं होगा कि अथॉरिटी आ रही है, दुकान तोड़ रही है, ठेला उठा के ले जा रही है, अपना शरीर पे चिपका के घूम रहे हैं, जिसको खरीदना है इसे खरीद। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हुआ। जैसे ही अनिल कपूर का पार्ट हुआ, मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मुझे प्यार हुआ, अल्लाह मिया बरसात में इकरार हुआ, अल्लाह मिया। अरे यार क्या है यार, मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मिया, मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मिया, प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मिया, बड़ी बरसात में इकरार हुआ, अल्लाह मिया, हाँ मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह मिया, मुझे प्यार हुआ, अल्लाह मिया, बड़ी बरसात में इकरार। एक मिनट में सांस ले लूं पहले, हे भगवान ही, मेरे को इतना फनी लग रहा है क्या ये? एडिटिंग करने वाले को इनाम मिलना चाहिए भाई, इनाम मिलना चाहिए। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, अल्लाह। बेस्ट था यार, बेस्ट था ये वाला। अरे बस कर भाई, लस लाइक ओ माय गॉड। ओह शिट, ये तो डार्क कॉमेडी हो गई यार। वैसे यार इसके मुंह पे कुछ क्रीम लगाइए, वो हटा रहे हैं, काले को गोरा नहीं कर रहे, अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं भी जाती। भैया तो काला यार, ये तो ज्यादा ही काला हो गया। हॉलीवुड फिल्म एडिटर। I can relate. Hollywood वालों। Oh my, गाड़ी में पैर मारा, बाइक वाले ने गाड़ी पलट। सालो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। यार ये बात तो है, जो एक्शन सीन और ये टॉलीवुड वाले नहीं कर पा रहे ना, वो भोजपुरी वाले करके निकल जा रहे हैं। तुमने देखा टॉलीवुड में इतना भयंकर एक्शन सीन? नहीं देखा होगा, कैसे देखोगे तुम? भोजपुरी मूवी देखो ना, वहां मिलेगा ऐसा अतरंगी एक्शन। अजी मेरा कद्दू। फिर सेंटा एक्टिंग से रियल होते हैं तो आप सेंटा से क्या एक चीज मांगो? ए हे
होता रहेगा, पहले फ्लर्ट कर लेता हूँ। ये कहीं राजस्थान से तो नहीं है? बच्चे को अभी से पता है किस चीज़ पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है, करियर का क्या, वो तो बनता रहेगा। 25 के बाद नहीं मिलेगी ना कोई, पहले ही ढूंढ लेते हैं। ये देश बदल रहा है दीदी, ये तेरी साले गंदे बच्चे। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। अरे मैया, यू का सुन लिया मैंने। एक ब्लैक पिंक के जो करीब 6 से 7 साल ट्रेनिंग रही, सब कुछ सीखा, ये सोच रही है बिना ट्रेनिंग के बस ऐसे गा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता छोटी, पहले सीख तो सही, कुछ भी मतलब वीडियो ऑन करके कुछ भी करेगी तू गंदी बच्ची। साले मजाक बना के रखते हो। इतने अच्छे गाने की माँ बहने कर दी यार, अब जब भी मैं ये वाला गाना सुनूंगी ना तो मुझे इन दोनों की याद आ जाएगी। No. Wait. There are many good Spider-Man like Gwen Stacy, Miguel O'Hara, Peter Parker and more, but none of them compare a greatest new generation Spider-Man ever. कौन? Oh! कोई राखी सावंत भी बोलेगा आज से अपनी राखी दीदी राखी पारकर है। देसी स्पाइडरमैन, देसी ना बोलिया कर छोरी रहे, इस देसी के फैन ये दुनिया हो रही रहे। आई डोंट नो, एकदम से एक गाना याद आ गया मेरे को। खैर नेक्स्ट। अबे साले, माय फ्रेंड आफ्टर वाचिंग 2 एनिमे सीरीज। अरिगातो गोजामस याक्सु कुमिते याक्सु गोदान का था हाजिरे नी अरिगातो गोजामस अरिगातो लिटरली यार बहुत से दोस्त है मेरे जो एक दो एनिमे देख लेते हैं फिर खुद को एकदम जापानीज़ संबंध ले रख जाते हैं। मैंने कुछ दिया ये ले तेरे लिए, अरे वो तो कुछ नहीं, इसके आगे कुछ आता है तुझे नहीं आता ये बता मेरे को। बस हवा निकल गई। सब वृंदावन जाना चाहते हैं। वृंदावन या गोवा? वृंदावन या गोवा? सही बोलू ना, ये सारे गोवा जाना चाहते होंगे बट वीडियो बन रही है तो बोल नहीं सकते, बट ठीक है अच्छी बात है भाई, हर जगह इंसान को जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि हो झूठ बोल रहे। वृंदावन पर वृंदावन को जानना कौन चाहता है? वृंदावन में वृंदा का मतलब क्या होता है? तुलसी। वृंदावन में वृंदा का क्या मतलब होता है? वृंदा का मतलब क्या होता है यार? इतना नहीं पता। वृंदावन में वृंदा का मतलब क्या होता है? हमारे समझ से भक्ति है, यहाँ पे प्यार बहुत है, प्यार मिलता है। जो वृंदावन यहाँ का वासी है, वृंदा वृंदे ऐसे कोई बात नहीं, नहीं पता तो पर हम बदलाव लाएंगे। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। अच्छा अब बता रहे हैं। तुलसी का वन था इसलिए इसको वृंदावन कहा। सुन लो तुम लोग को, वृंदा का मतलब होता है तुलसी। ये पहले तुलसी का वन था, तुलसी। वृंदा का मतलब क्या होता है? तुलसी। ये वृंदावन जिनका घर है, भगवान कृष्ण और राधा रानी का घर है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। पता है आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ही यही है, लोग वृंदावन जा रहे तो वृंदावन को हाइप कर दिया, केदारनाथ जा रहे तो केदारनाथ को हाइप कर दिया। ना ही किसी को केदारनाथ की बैक की स्टोरी पता है, ना ही किसी को वृंदावन की स्टोरी पता है। अरे भैया खाली वहां जाके सेल्फी खिंचाने से तुम भक्त थोड़ी बन जाओगे। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। थोड़ा अपने हिस्ट्री के बारे में भी जान लो यार, वो भी इम्पोर्टेंट है। यू बेटर अंडरस्टैंड दिस इज मी। ओके यस दिस इज मी। भैंस की जब इरिटेशन होती है ना तब कुछ भी गलत हो जाए, मान लो मैं अपना हेयर बैंड ढूंढ रही हूँ ना मिले ना तो ऐसा मन करता है कि खत्म कर दो इस दुनिया को। ओह काम डाउन जमो। बंदा वैसे इरिटेट हो रखा है। Everyone can relate. Everyone. In this full of negative and jealous full world, we want friend like Miss Nigeria. Oh, अपनी friend के जीतने पे इतनी खुशी। एक ये दोस्त है बताओ यार कितने भाई, उससे ज्यादा खुश तो ये हो गई यार, वो भी सपने में ये कि मैं जीत गई, मेरे से तो हैंडल ही नहीं हो रहा। ये एक ये दोस्त हैं और एक मेरे दोस्त थे।
जलन की आग में जलते रहते हैं हमेशा बदतमीज कहीं के। खैर हम सभी एक ऐसा दोस्त डिजर्व करते हैं, तुम भी डिजर्व करते हो, भगवान सबको एक ऐसा दोस्त मिले जो जले ना अपने दोस्त की सक्सेस से। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। Okay, so that is for today guys. If you like this video, thank you so much for watching. And yes, don't forget to do like, share and subscribe. Radhe, radhe.